हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरोही और इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए यानी गर्भधारण का सबसे ज़्यादा चांसेस कब होता है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा अगर आप अनचाहा प्रेगनेंसी नहीं चाहते, अनचाही प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो। और उसी के साथ अगर आप प्रेगनेंट होना चाहती हैं तो फिर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंट होने का सबसे करेक्ट टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग की बात करें ना, तो टाइमिंग जो है आपका वो हो जाता है आपके पीरियड के ख़त्म होने के 5 दिन का समय। जी हाँ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, पीरियड से लेकर स्टार्ट होने के दिन से लेकर 11वें दिन तक आपका जो है आपका प्रेगनेंसी का टाइमिंग होता है। इस बीच पे अगर आप सेक्स करते हैं, इंटीमेट होते हैं, तो इस सब बीच में आप रिश्ते बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो फिर आपका जो है फर्टिलाइजेशन होता है और फिर आपका गर्भधारण होता है। संभोग करने के बाद यानी कि सेक्स करने के बाद सिर्फ उसी दिन प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते, उसके बाद 5 दिन तक स्पर्म जो है महिलाओं की बॉडी पे ज़िंदा रहते हैं, यानी कि वो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वहाँ पे वो वेट करते हैं कि वो कब एंटर करे यानी कि आपके गर्भ पे। तो यूटेरस पे कैसे वो एंटर करे, वो 5 दिन तक जो है ज़िंदा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज ही आपने इंटीमेशन किया, आज ही सेक्स किया और आज ही आप प्रेग्नेंट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 दिन का टाइम रहता है, 5 दिन तक स्पर्म महिलाओं की बॉडी पे ज़िंदा रहते हैं। तो इस वजह से 5 दिन का टाइमिंग भी, उस बीच में भी आप प्रेग्नेंट यानी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। तो दोस्तों कैसे लगे ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहना। थैंक यू सो मच।